नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के प्रश्न 50 देखे थे। भौतिक रसायन टॉपिक के अंतर्गत यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के, तो साइड माय बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे भौतिक रसायन का पार्ट नंबर 2, जहां पर 51 से लेकर के 100 तक आपके यानी 50 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी बिहार के बीपीएससी के अलग अलग पेपर हैं उनके भी सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं हीलियम के नाभिक की, तो आप कहेंगे इसमें दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है वो होता है। एक प्रोटॉन में एक धन आवेश के साथ द्रव्यमान भी होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि परमाणु जो भार है वो संख्या प्रदर्शित करती है जो उस तत्व के एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। अगला, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को डैश के द्वारा समझाया गया है। रदरफोर्ड, नील्स बोर, चैडविक या थॉम्सन, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर बी यानी नील्स बोर जो है वो सही होगा। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को नील्स बोर द्वारा समझाया गया है। बोर ने दो अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। इनमें से कौन सा कथन समस्थानिक जो है उनके बारे में गलत है? उनके समान रासायनिक गुण है, उनकी आवर सारणी में उनका अलग स्थान है, उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उनके विभिन्न भौतिक गुण है। तो कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी यानी आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनको आवर्त सारणी के अंतर्गत ही रखा गया। आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग से ना होकर एक समान है। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। और बाकी समस्थानिक आइसोटोप कहते किसे हैं? जहां पर एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अगला है आपका, परमाणु नाभिक के अव्यय जो है वो इनमें से कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन? तो नाभिक में आपको बता चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नामक मूल कण की खोज 1897 में थॉम्सन ने जो है वो की थी। इलेक्ट्रॉन दृढ़ आवेशित कण होते हैं, ये परमाणु के में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए आपके नाभिक में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर आवेश की बात करते हैं तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश इस पर होता है, और द्रव्यमान की अगर बात करें तो 9.1×10⁻³¹ वो भी माइनस में वैल्यू है, ये किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। ये एक स्थायी ऋणात्मक मूल कण है, प्रोटॉन एक धनात्मक मूल कण है। इसकी खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम के बराबर धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन की बात की जा रही है, और ये परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। इसका द्रव्यमान 1.6×10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। ये आपका एक स्थायी धनात्मक मूल कण है। न्यूट्रॉन के बारे में ये तो आपको बता ही चुके हैं कि न्यूट्रॉन आपका एक आवेश रहित मूल कण होता है, इसमें आवेश नहीं होता है। खोज इसकी किसने की थी? 1932 में चैडविक ने इसकी खोज की थी ट्रिक ईटा पर नाचो से। ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में होते हैं, इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगला है कि जंग लगे लोहे के वजन में इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है? लंबे समय तक बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या एक समान रहता है? तो एक समान तो बिल्कुल नहीं रहेगा, आप कहेंगे कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। जंग पर लग जाती है ना, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, पहली बात तो ये पॉइंट है। लोहे पर जो जंग है वो हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगती है, दूसरा पॉइंट है। जब जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ होता है वो होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये भूरी परत के रूप में देखने को मिलता है, लोहे पर जम जाता है। इस प्रक्रिया में पहले लोहे का भार बढ़ता है, उसके कुछ पश्चात जब क्षरण होने लगता है तो लोहे का भार फिर घट जाता है। तो दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। अगला, CO2 शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए इसमें से धनात्मक ऋणात्मक क्या होगा? तो आप कहेंगे डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू आपकी धनात्मक ही होगी। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रक्रिया में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों धनात्मक होते हैं। शुष्क बर्फ होता क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, देखा होगा आग वगैरह लग जाती है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही नाम है शुष्क बर्फ। इसको गर्म करने पर ये द्रव में नहीं पिघलती, इसके बजाय ये सीधे गैसीय स्टेट में बदल जाती है।
इसका यूज कहाँ होता है? आइसक्रीम आदि को पैक करने में होता है, खाद्य पदार्थों के बंद जो कंटेनर होते हैं इसमें कीटों की गतिविधियों को रोकने के लिए भी होता है। वे पदार्थ कौन से हैं जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं? लवण, उदासीन, अम्ल या क्षार। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो देते हैं वो क्षार देते हैं, OH माइनस आयन इन्हीं को ही कहते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। इसके अलावा जो H प्लस आयन होते हैं वो जो देते हैं वो आप क्या कहेंगे, वो आपके अम्ल होते हैं। H प्लस आयन जो देते हैं, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र कौन सा है? 3n है, 2n स्क्वायर है, n स्क्वायर या 2n? एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने संबंधी जो सूत्र है वो 2n स्क्वायर है। किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां n क्या होता है, कक्षा संख्या है। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा जो है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्ष संख्या कुछ भी क्यों ना हो, वो 2, 8, 8, 18 करके जो चलता है ना उसी की बात यहाँ की गई है। इनमें से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास या क्रोम फिटकरी? आंसर की बात करेंगे तो क्वार्ट्ज ग्लास सही हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस की बात यहाँ पर की गई है तो क्वार्ट्ज जो ग्लास है एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस उन ठोस पदार्थों को कहते हैं जिनके अंदर पर्याप्त दूरी पर परमाणुओं का कोई सुनिश्चित विन्यास नहीं होता है। इसके विपरीत क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयकण जैसे परमाणु, अणु या आयन का नियमित क्रम होता है। इनकी जो निश्चित ज्यामिति है वो भी देखने को मिलती है। अगला, इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में कक्षा में नहीं रहता है, ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है, चक्रण नहीं करता है, गुणन नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है बल्कि ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रह करके चक्रण और घूर्णन भी करते रहते हैं, तो ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है अपनी ऊर्जा अवस्था में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, स्याही पानी में किसके कारण से फैलती है? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, परासरण के कारण, वाष्प दबाव के कारण या विसरण के कारण? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर विसरण के कारण जो है वो सही हो जाएगा। कल वैसे आपका संडे है तो हम सोच रहे हैं कल एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको करा दें, किस टाइम में कराएं वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो स्याही पानी में विसरण के कारण फैलती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा अलग किए गए जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अगला देखते हैं, उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, 14 होती है, 3 होती है, 5 होती है? आंसर यहाँ पर 7 जो है वो सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का मान पीएच वैल्यू 7 होता है। इसके अलावा जब किसी विलयन को पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन, इसके विपरीत जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक तो वो विलयन क्षारीय होता है। किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन, कौन सा सही होगा? तो ऊपर पीएच वैल्यू भी बताई थी, क्षारीय विलयन सही हो जाएगा, पीएच मान 7 से क्योंकि अधिक है, अगर कम होता तो आपका अम्लीय विलयन हो जाता। तो ऐसा विलयन जिसका पीएच का मान 7 से अधिक क्षारीय विलयन, पीएच 7 से कम पीएच वाला विलयन अम्लीय और 7 के बराबर वाला उदासीन। जबकि किसी दुर्बल अम्ल और उसके संयोग में क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक और उसके संयोग में अम्ल का जलीय विलयन बफर विलयन कहलाता है। इस पॉइंट को, नया पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि किसी दुर्बल अम्ल और संयुग्मी क्षारक और किसी दुर्बल क्षारक और उसके संयुग्मी अम्ल, इसका जलीय विलयन बफर विलयन कहलाता है। क्षारीय बफर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, परासरण? आंसर यहाँ पर परासरण जो है वो सही होगा। पेड़ पौधों की जड़ों में पानी मिट्टी से परासरण प्रक्रिया के कारण आता है। परासरण की प्रक्रिया से पानी जड़ों में प्रवेश करता है और जाइलम ऊतक की मदद से पत्तियों तक पहुंच जाता है। पत्तियों के माध्यम से वाष्पित होता है और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि आपका गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में भी उपयोगी होते हैं। तो पूछा गया है गलत, आंसर की बात करते हैं। पहला गलत है जो कि नाभिक वाला था। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
नगण्य होता है, जबकि नाभिक के अंदर स्थित जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। इससे क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहर चक्कर लगाते हैं, इसलिए विकल्प ए वाला गलत है। इसके अलावा किसी तत्व के परमाणु संख्या तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ये तो आपको बताया था। रेडियो आइसोटोप का यूज करके चिकित्सा परमाणु ईंधन और कार्बन डेटिंग के रूप में भी यूज किया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आंसर की बात करेंगे तो सी वाला, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, ये जो लिखा है ये आपका सही नहीं है। बाकी रासायनिक परिवर्तन में अनुक्रमणीय होना, नए पदार्थ बनना, ऊर्जा का अवशोषण होना, ये सब इसकी विशेषता में आते हैं। तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है, होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे कि लोहे में जंग लगना। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? जल शुष्क, प्रसवेद पदार्थ, लोनिया पदार्थ, निर्जलीकरण कारक। आंसर होगा आपका इनमें से एक, सदी इनमें से कोई नहीं। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें जल शुष्क या निर्जलीकरण कारक जो है वो कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सिलिका जल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एग्जाम्पल भी आपको फोकस में जो है वो रखने हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? बोर, बर्जेलियस, डॉल्टन, थॉमसन। आंसर यहाँ पर बर्जेलियस जो है वो सही होगा। आधुनिक परमाणु प्रतीक जोन्स जैकब बर्जेलियस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। ये रासायनिक प्रतीक रासायनिक तत्वों के लिए उपयोग किया जाने वाला संक्षिप्त अक्षर है। इसमें आमतौर पर लैटिन वर्णमाला के एक या दो अक्षरों का प्रयोग होता है। बर्जेलियस ने इस प्रणाली का विकास 1811 ईस्वी में किया था। उदाहरण स्वरूप सोडियम का Na, तांबा का Cu, कार्बन का C, इस तरीके से ये सब परमाणु प्रतीक चिन्हित तो होते हैं, कार्बन को C से दर्शाते हैं। इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O, H2S, H2SE या H2TE? आंसर होगा H2O। हाइड्रोजन आबंधन के कारण H2O का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक जो है वो होता है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन है, ड्यूट्रॉन है, ट्राइटियम है, हीलियम है, कौन सा तत्व होगा? आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ट्राइटियम, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। इसे ट्राइटॉन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन के टोटल तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। NH1, NH2, NH3, इस प्रकार से इसका चलता है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है नहीं होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों में परिवर्तन होता है या भौतिक संरचना नहीं बदलती है? तो पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक जो संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका कथन सही है। लेकिन रासायनिक संरचना जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। जैसे पानी से वाष्प बनने पर द्रव से गैस अवस्था में रूपांतरण हो जाता है, परंतु रासायनिक संरचना H2O ही जो है वो रहती है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटक जो हैं उनको एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विलायक निष्कर्षण, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, अवसादन। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी जो है वो कहा जाता है। अगला, तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या, फार्मियानों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दोनों के टोटल के बराबर? आंसर होगा डी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, और तत्व की परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, विसरण, संघनन या बुदबुदाहट। आंसर होगा आपका बुदबुदाहट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को बुदबुदाहट कहा जाता है। किसने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने हैं जिसे अणु कहते हैं? कणाद ने कहा था, डॉल्टन ने कहा था, ब्राउन ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, किसने कहा था? आंसर की बात करते हैं, पहला ऑप्शन महर्षि कणाद जो है आपका यहाँ पर सही होगा। इनके द्वारा कहा गया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिसे अणु कहते हैं। तो महर्षि कणाद वैदिक काल के दार्शनिक थे, इन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था और इसी दर्शन में इन्होंने परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था, और परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं ऐसा इन्होंने बताया था। जॉन डाल्टन ने इन्हें यौगिक परमाणु जो है वो कहा था।
मेंडलीव के समय कुल ज्ञात जो तत्व थे उनकी संख्या जो है वो कितनी थी? 63, 65 या 62 या 64? आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि 63 टोटल यहाँ पर संख्या थी। उस समय अक्रिय गैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन इत्यादि की जानकारी नहीं थी। मेंडलीव ने तत्कालीन जो 63 ज्ञात तत्व थे उनको 6 क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर कालों में सारणीबद्ध किया था। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहा जाता है। आधुनिक वाले में देखेंगे तो कुल 118 टोटल तत्व हैं जिनको सम्मिलित किया गया है। पहले वाली जो थी वो मेंडलीव थे, ये आधुनिक आवर्त सारणी, ये मोजले ने दी थी। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का क्या नाम है बताइए। लगभग आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब तक। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक आगे आने वाले वीडियो के पहुंचते रहे। और लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक का जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और बाकी पहले वाली जो भेज चुके हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर बी का ऑप्शन प्लाज्मा भौतिकी जो है वो सही होगा। प्लाज्मा भौतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा जो पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों का अध्ययन करती है, ये आपका सही होगा। पानी का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4, 7, 12 या 18, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 7 यहाँ पर सही हो जाएगा। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच वाला सोल्यूशन अम्लीय है, ज्यादा वाला क्षारीय है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले दिया किसने था, तो वो दिया था कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सैरन पैडर लॉरेंस सोरेनसन। इतना कहानी लिखने से अच्छा है सीधे सीधे सोरेनसन याद रखिए बस। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें एच प्लस आयन की सांद्रता 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। पीएच वैल्यू 3 से 6 बदलता है तो इसमें एच प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला है, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल कितना हो जाएगा? नहीं बदलेगा, आधा हो जाएगा, 3 गुना या 2 गुना? ये आपका 2 गुना हो जाता है। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? A3B, AB3, A2B, AB। आंसर A B3 आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। क्यूब के दोनों कोनों पर ए आयन होता है और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होता है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होता है A B3। इसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वो सूत्र होता है जो उस यौगिक के अणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है। इस सूत्र में यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या का ज्ञान नहीं होता है। मेन यही है जो मेन डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान के अनुसार इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग का स्तर बनना। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में आंसर होगा बी, यानी कि पानी का उबलना। बाकी तो रासायनिक परिवर्तन के हैं। तो पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है वो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक अवस्था या रासायनिक गुण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पानी का उबलना हो गया, पानी का जमना हो गया, शक्कर का पानी में घुलना हो गया, कांच का टूटना हो गया, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब आपके भौतिक परिवर्तन है। अगर बात करते हैं आपका रासायनिक परिवर्तन को लेकर के, तो लोहे पर जैसे जंग लगना है, दूध का दही बनना है, लकड़ी का जलना है, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत बनना है, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना या मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। आंसर हो जाएगा डी वाला, जो कि आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी भौतिक परिवर्तन ये तो बता ही चुके हैं कि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में पूर्व रूप उसका प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से भी किसी प्रकार से फिर दूध नहीं प्राप्त हो सकता। अगला, इनमें से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? सीजियम, प्लैटिनम, स्टोंसियम, थोरियम। तो आंसर डी यानी थोरियम जो है वो सही होगा। थोरियम जो है वो रेडियोधर्मी धातु है। ये भूरे रंग की धातु है। इसका द्रवणांक होता है 1750 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 4787 डिग्री सेल्सियस। इसका अयस्क मोनोजाइट है। इसका यूज किया जाता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में।
और भारत में थोरियम का भंडार देखेंगे तो केरल के मोनोजाइट बालू में मिलता है। लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? फास्फोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक? तो लेड संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्रम के सेल में वोल्टेज का मान इलेक्ट्रोड के आकार पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार के सेलों का इस्तेमाल वाहनों में जो है वो देखने को मिलता है। इनमें से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन? तो पीएच मान 7 उदासीन विलयन का है, परंतु यहाँ पर इनमें से एक से अधिक ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि इस ऑप्शन में शुद्ध पानी भी दिया गया है। तो इसलिए आपके दो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है, इस कारण से एक से अधिक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएच प्लस पीओएच का मान क्या होगा? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के लिए पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 आपका होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस लवण का पीएच वैल्यू 2 जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, एससीएल और वैल्यू भी साथ में दी गई है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, पहला ऑप्शन 0.01 एमएचसीएल लवण जो है इसका पीएच 2 होगा। एच प्लस सी एल माइनस एस सी एल बनाएगा, जहां पर 1 मोल एच प्लस 1 मोल सी एल माइनस से जुड़कर 1 मोल एस सी एल का निर्माण करता है। इस प्रकार 0.01 मोल एस सी एल 0.01 मोल एच प्लस आयन का निर्माण करता है। लॉग के थ्रू वॉल्यू वैल्यू निकाली गई है तो 2 निकल करके आएगी। अगला है, जस्ता के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा? आंसर बी निकल करके आएगा, 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो एक आयतन भाग जस्ते का भार यहाँ पर जिसको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से चेंज कर किया गया है, वैसे चेंज नहीं किया गया, एक के हिसाब से निकाला गया, तभी एक से जो है यहाँ पर गुणा किया गया। दो आयतन वाले का इसी प्रकार 2 से गुणा करके निकाला गया है। इसी प्रकार दोनों को मिलाने पर तो जो पहले वाली वैल्यू है, दूसरी वाली वैल्यू है, दोनों को जोड़ के निकाला गया वैल्यू। पीतल का घनत्व जो है इसी को 3 से डिवाइड करके 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल आपको 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 इन लेवल पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है, विखंडन, संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया? तो नाभिकीय संलयन, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन जो होता है वो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया साधारण ताप और दाब पर संभव नहीं है, क्योंकि जब संलयित होने वाले नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके धन आवेश के कारण विद्युत प्रतिकर्षण का बल अत्यंत तीव्र हो जाता है। अतः नाभिकीय संलयन की क्रिया को संभव बनाने के लिए अति उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतने उच्च ताप पर नाभिकों में अपनी ऊष्मीय गति के कारण ही इतनी अधिक गतिज ऊर्जा आ जाती है कि परस्पर पास आने पर इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार कर सकने में समर्थ हो जाते हैं और नाभिक एक दूसरे में संलयित हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। अगला, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, सभी? आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं और किसी नए तत्व का जन्म होता है। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 12, 2, 7 या 9? आंसर हो जाएगा आपका 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये बता चुके हैं ऑलरेडी हम आपको ऊपर। और जो पीएच स्केल है उसको लेकर के भी बता चुके हैं, सोरेनसन ने जो है इस प्रतिपादन किया था 1909 में। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण में दो धनायन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान इनमें से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। अगला है, जस्ता किससे बनता है, इस्पात, फर्नीचर, विद्युत बैटरी या बम से? आंसर विद्युत बैटरी यहाँ पर सही होगा, जस्ते से विद्युत बैटरी जो है वो बनती है। जस्ता मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, निष्कर्षण इसका सल्फाइड एस्क जिंक ब्लेंड से किया जाता है। उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यूज देखेंगे तो बैटरी निर्माण, युद्ध क्षेत्र, धूम्रपट बनाने में, पीतल और कांसा आदि मिश्र धातु बनाने में, लोहे को जंग से बचाने के लिए, जस्तादार लोहा आदि बनाने के लिए। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? खाना पकाना, भोजन का पाचन, पानी का पच जमना या पानी को गर्म किया जाना? तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन
तीसरा चौथा इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दिए गए, आंसर सी होगा पहला और दूसरा। खाना पकाना और भोजन का पाचन, ये दो ऐसे हैं जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये चीज हम आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुके थे। भौतिक परिवर्तन में तो आप रिवर्स कर सकते हैं, इसमें बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि को बदल देते हैं, ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा वाला? भौतिक वाला, रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। अगला, इनमें से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? मक्खन, चॉकलेट, दूध, दही, फेंटी हुई मलाई, आंसर हो जाएगा दही। दो या दो से अधिक आमिश्रणी तरल पदार्थों से बना मिश्रण क्या कहलाता है? पायस। दूध, दक्खन, मक्खन, चॉकलेट, पायस के सब उदाहरण है, कि दही जो है आपका पायस नहीं है। कोलाइड कण के आकार की सीमा कितनी होती है? तो ये सीमा होती है आपकी इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो 10^-9 मीटर से 10^-6, किसी भी ऑप्शन में नहीं, आंसर इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोलाइड कण जो होते हैं स्वयं तल में नीचे नहीं बैठते हैं, किंतु अपकेंद्रण के द्वारा इन्हें नीचे बैठाया जा सकता है। विलय कण और विलायक कण जो है उनको साधारण निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है आपसे पूछा गया? दूध, रक्त, घी या मक्खन? तो आंसर घी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, घी आपका कोलाइड नहीं है। बाकी तो वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते उन्हें कोलाइड कहते हैं, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम संघनन कहते हैं। संघनन वो प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प, जल या बर्फ के कणों में बदल जाती है। ये वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। 100 प्रश्न आपका है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये तो बता ही चुके हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और एग्जाम्पल भी इसके बता ही दिए थे आपको पहले ही हमने, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सब एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं टीचिंग वाले पोर्शन में यहाँ से क्या क्वेश्चन आया। तो एक उत्प्रेरक क्या कर सकता है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है, घटा सकता है, घटा या बढ़ा दोनों सकता है, या केवल बढ़ा सकता है? तो आप कहेंगे घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, उत्प्रेरक जिसको कहते हैं कैटेलिसिस। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शायद यही हमने पिछली बार क्लास में पूछा भी था कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान। क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में पूछा गया था, यानी जूनियर में पूछा गया था। आंसर लिथियम सही हो जाएगा। किसी परमाणु की नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था, इसमें त्रिज्या की एक सटीक माप प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बाकी बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता, इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या आपकी सर्वाधिक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी 167 PM है। बाकी पेरिलियम, बोरान, इनकी 112 और 87 है। और नोट करके ये भी पॉइंट लिखा गया है कि फ्रांसियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो सर्वाधिक होती है 348 PM यानी पिकोमीटर, और हीलियम की न्यूनतम होती है 0.208 NM यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो लिथियम वाला ऑप्शन सही था। वैसे अगर देखेंगे तो फ्रांसियम और हीलियम है, ध्यान रखिएगा। अगला है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए इनमें से किस गैस को यूज में लाया जाता है, ये भी देखेंगे। तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 में पूछा गया है। आंसर एथिलीन जो है आपका सही हो जाएगा। ये 6 से 8 के लेवल पे क्वेश्चन आया था, और एथिलीन एक रंगीन गैस है, रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। उत्पाद फलों के पकने की प्रतिक्रिया को तेज करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पीआरटी में पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया में आएगा, और ये अभिक्रिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na यहाँ का, Cl यहाँ का, NaCl, इस प्रकार से आपका बनेगा, और क्या होगा, H2O आपका अलग हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल है, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, पीआरटी में पूछा गया था, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1। इमली में कौन सा अम्ल है? मेथनोइक, टार्टेरिक, लैक्टिक, आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। बाकी सिरका एसिटिक अम्ल, सेब में मॉलिक एसिड, दूध का लैक्टिक अम्ल, नींबू का रस सिट्रिक एसिड, और अंगूर का टार्टेरिक अम्ल।
अगला है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डालते हैं तो इससे क्या होता है। ये भी क्वेश्चन प्राइमरी में ही आया है, पहले फेज वाली वैकेंसी में, पेपर टू शिफ्ट वन में। हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती है। आंसर पहला हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो लोहे के बुरादा यानी Fe आयरन और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं यानी कि HCl, तो हाइड्रोजन गैस HCl यहाँ, Fe यहाँ, तो Fe यहाँ का और Cl2 यहाँ का, FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड बनाता है और अलग क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इस ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में आया हुआ है, फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में, पेपर टू शिफ्ट वन। तो गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, पीएच वैल्यू 7 से अधिक किसकी होती है, तो रक्त प्लाज्मा की होती है। बाकी तो चीजें बता चुके हैं, 0 से 14 के बीच होता है। ये याद रख सकते हैं, प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग है, रक्त का लगभग 60% अकेले यही होता है। प्लाज्मा भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन का काम भी करता है। और पीएच वैल्यू होती कितनी ब्लड की, तो 7.4 देखने को मिलती है, तभी यहाँ पर 7 से अधिक की बात की गई है। तो क्वेश्चन हमारे समाप्त तो हुए, अब एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा सभी लोग वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, आपके लिए लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रश्नों के, सारे प्रीवियस करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। ये आपके लिए प्रश्न है कि ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए इनमें से किसका जो है वो यूज किया जाता है, फास्फोरस का, सल्फर का, या फिर क्लोरीन का, या सिलिकॉन का। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी इसके आगे के जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर हम इसके जो आंसर है उसकी भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।